अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में से अडानी पोर्ट है। एक बार खुश आपके रिकमेंडेशन, ये 910 हो गया, इसका फ्यूचर्स कैश आ गया अब 900 के पार, अभी क्या करना चाहिए? अब ये और चल सकता है क्या, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग करवाएगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, यू नो जो इसका इमीडिएट ट्रेंड है ये पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स फेयरली डिसेंट हैं, कोई यू नो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं है, बट वॉल्यूम्स का सपोर्ट लगेगा अगर इसे इसका जो रेजिस्टेंस है यू नो 900-910 के जो जोन्स हैं इसको ब्रेक करने के लिए। मल्टीपल टाइम्स इसके आसपास आके यू नो स्टॉक वेट कर चुका है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर सेटअप है उस तरह से लग रहा है कि शायद इस बार ये यू नो जो 900 के लेवल्स हैं बहुत जस्ट ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं उनके, बट कन्विंसिंगली उनको इस बार क्लोज कर पाएगा। एक बार इस जोन के ऊपर निकलता है तो इसमें बहुत शार्प यू नो अपमूव आ सकता है, जो स्टॉक को 930 और फिर 950 के जो लेवल्स हैं यहां तक लेके जाएगा। यहां पे आप फ्रेश एंट्री करें, थोड़ा सा अग्रेसिव बेट होगा, लेकिन अगर आप यहां पे फ्रेश एंट्री करें 890 के जो लेवल्स हैं इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ओके ठीक है, एक शेयर और है बैटरी से जुड़ा हुआ, एक्साइड, क्या आपके रिकमेंडेशन में आएगा संतोष ये एक्साइड? आप कुछ ट्रेड देखेंगे या इस शेयर को वॉच लिस्ट में हाँ, डालेंगे या एक्साइड नहीं की बात करें तो डालेंगे? कंटिन्यूअसली नहीं, इस स्टॉक में की बात करें तो मोमेंटम बना हुआ है और ब्रेकआउट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस 191 के लेवल का एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लगता है जो मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों में वो आगे भी एक्सटेंड होते नजर आएगा। तो इसका अगला टारगेट आ रहा है वो 199 रुपीज का आ रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। आप छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे जो स्टॉप लॉस बन रहा है 190 रुपीज का ही बन रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 190। ठीक है, तो ये तो एक साइट पर एक व्यू रहा। एक बार कुछ बीएससी के कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में सिर्फ 50 अंकों की ही गिरावट दिख रही है। टॉप स्टॉक जो आपको इस वक्त टॉप गेनर जो बीएससी पर भी दिख रहा है वो सीमेंट्स दिख रहा है। L1 बिडर थे 20,000 करोड़ तक के, इससे भी बड़े ऑर्डर के इनफैक्ट के लिए L1 बिडर रहा है सीमेंट्स। नंबर्स के बाद आपको याद होगा जब इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए तो हमने देखा था कि बहुत फ्लैटिश, क्योंकि बहुत हद तक ये चल चुके थे स्टॉक्स, लेकिन अब ये फिर से क्या मूव स्टार्ट हो गई है, सारे कैपिटल गुड काउंटर्स चल रहे हैं। इस पर अभी एक व्यू लेते हैं, लेकिन कुछ और काउंटर्स, दूसरा जो काउंटर हम एड्रेस कर चुके हैं वो है इंटरग्लोब एविएशन का, 3% की मूव यहाँ है ATF के प्राइसेस के चलते, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन हो, इनमें मर्जर का एक ट्रिगर है, और सारी आपको आज AMC काउंटर्स में एक मूव तो दिख रही है। AMC काउंटर्स के भी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, HDFC AMC भी आज 5% की तेजी के साथ काम कर रहा है, और जो कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें आपको डिफेंसिव बेट्स में डाबर जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑटो पैक आज फिर से आपको बैकफुट पे दिखाई दे रहा है, कुछ बड़े बैंक्स जिनमें मूव स्टार्ट हुई थी कोटक बैंक जैसे अभी फिलहाल थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। पिरामिल एंटरप्राइज NBFCs में जहां ट्रिगर रहा इस पूरे हफ्ते, इस हफ्ते की शुरुआत से NBFCs में एक्शन था, पिरामिल एंटरप्राइज में भी एक्शन था, आज थोड़े प्रॉफिट टेकिंग के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा एक्शन जहां जिन स्टॉक्स में है, क्या पोजीशन और बढ़ा सकते हैं? वरुण, क्या सीमेंट्स की 6% की ये मूव वाकई सरप्राइज तो कर रही है? ओपन होते ही ट्रिगर भी बढ़ा था, क्योंकि इन्हें बड़े ऑर्डर के लिए ये L1 बिडर है, क्या ये मूव और बढ़ सकती है? इन लेवल्स पर एंट्री करना कितना फेवरेबल होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? गौरव, ये आपके लिए सवाल। मैंने कहा कि एक बेस फॉर्मेशन जो है वो एक उसका कंफर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ पे किसी का अगर पोजिशनल ट्रेड है तो प्रोबेबली आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी 2800 का होगा, और ये जो अपसाइड चालू हुई है इट कैन गो टूवर्ड्स लेवल ऑफ 3000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो एक फिर फ्रेश स्विंग हाइज आपको क्रॉस होंगे, ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाइंग की अगर किसी को करना है, अग्रेसिव ट्रेडर को है, तो बाय किया जा सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा प्रोबेबली आप 2840 रख लीजिए, और ऊपर में आप 3000-5000-10 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 11 साल तक सर्व करना है ऑर्डर जो सप्लाई करना है सीमेंट्स को, और काफी अग्रेसिव बिड इन्होंने की, जिसका आप रिएक्शन आज ओपन में ही आप गैप अप के साथ खुलते हैं सीमेंट्स में, और उसके बाद भी आपको मूव दिख रही है, और 2850 का स्टॉप लॉस आपको गौरव कह रहे हैं इसमें आप पोजिशनल बेट ले सकते हैं।